पहले आप अपना नाम बताइए। माय नेम SRDRAMLAMU। क्या हुआ ये? सीताराम। तो इनका नाम है सीताराम। SATA क्या क्या बोलते हैं? SATARAMLAMU। वाओ, देखा। तो गाइस इनका नाम है SITA RAM। तो इनका नाम है SITA RAM। Guys, welcome to new blog. Decide be never mind. You watching Mountain Explorer HP YouTube channel. तो आज का ब्लॉग बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि आज हम किसी से मिलने जा रहे हैं। अब कौन है वो, कहाँ से है, क्या करता है, तो बताएंगे उसके बारे में सब कुछ। लेकिन उससे पहले मुझे जाना है अभी पनारसा, और पनारसा तो वैसे डेली जाता रहता हूँ। तो मैच लगे हुए हैं, तो प्री क्वार्टर फाइनल में पहुँचे हुए हैं। हमारी टीम तो कल निकल गई, अब क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है। दूसरी टीम का मैच है, उसको देखने जाएंगे। दोस्तों की टीम है तो जाना तो बनता है। तो चलते हैं और उसके बाद मिलाते हैं आपको किसी स्पेशल पर्सन से, ठीक है? तो थोड़ा काम चला हुआ घर का, लाइट लगवा रहे हैं। जो पंचायत के थ्रू आई हुई है लाइट, उसको लगाएंगे, उसके बाद जाएंगे मार्केट, ठीक है? तो यहाँ पे लाइट लग रही है अभी, इसको फिट वगैरह कर रहे हैं, तो थोड़ी देर में इसको चिपका देंगे सामने दीवार पे। तो फाइनली लाइट लग चुकी है यहाँ पे, ये आंगनवाड़ी स्कूल में और मेरे घर के साथ में लाइट लगा ली है गाइस। और अभी हम जाएंगे पनारसा, पनारसा में मैच लगे हैं। और ये मेरे हाथ में है कात, इससे मतलब कि भेड़ों के बाल काटते हैं। तो यहाँ पे पोपट हो गया मेरे साथ, बाइक फंस चुकी है और टायर तो घूम रहा लेकिन आगे नहीं निकल रही है। अब जस्सी का वेट करेंगे, फिर निकालेंगे इसको साथ में। तो आप देख सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ लेकिन बाइक जो है निकलने का नाम नहीं ले रही है। बस टायर घूम रहा है घास के ऊपर और वहीं पर खड़ी हो रही है बाइक। अब क्या कर सकते हैं, किस्मत ही ख़राब है तो कुछ नहीं कर सकते हैं। और थोड़ी सी आगे निकली बाइक और फिर से फंस गई आगे। तो अब जस्सी ब्रो आ गया, जस्सी ब्रो बोल रहा है कि तेरे को पता नहीं लगा पीछे से काटनी थी। तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये बुलेट है, ये यहाँ से कटिंग नहीं होनी थी, तो मैंने लंबा मतलब कट किया इसको। तो गांव की औरतें भी इकट्ठी हो गई यहाँ पे, जैसा कि आप देख रहे हैं, और सभी हमको हंसने लगे हैं कि हाँ ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे सीन। तो क्या कर सकते हैं भाई, गाड़ी फंस गई है तो निकालनी तो पड़ेगी। तो फाइनली बाइक निकल चुकी है, नहीं तो हम यहाँ पे रोते रहते कि हाँ क्या करते, कुछ नहीं पता। लेकिन उठा के करनी पड़नी थी, लेकिन निकल गई, थैंक गॉड। तो एक जगह से तो निकल गई लेकिन दूसरी जगह पे फंस गई। अब क्या कर सकते हैं, किस्मत ही खराब हो तो कुछ नहीं कर सकते भाई। अब निकालेंगे यहाँ से, और जैसे भी निकलेगी तो ठीक है, नहीं निकलेगी तो क्या कर सकते हैं यार। हे भगवान, ये क्या क्या देखना पड़ रहा है। शुक्र है मैं अंधा हूँ। तो पनारसा में पहुंच चुके हैं हम, और मेरे साथ में है जसपाल, जसपाल भट्टी। तो ग्राउंड में पहुंच चुके हैं, मैच दिखाएंगे हम आपको, थोड़ी देर मैच दिखाएंगे क्योंकि उसके बाद हमने मिलने भी जाना है किसी से, तो ठीक है। तो यहाँ पे मैच लगा हुआ है बहुत ही खतरनाक, बनाला वर्सेस BBC का बहुत ही रोमांचित मैच होता हुआ। 94 रन 2 भी चाहिए यहाँ पे BBC को। बढ़िया बॉल करा रहे हैं रमेश भाई यहाँ पे, लेकिन पहली बॉल में विकेट ले ली, दूसरी बॉल में छक्का खाया, तीसरी बॉल में देखते हैं क्या करते हैं। तीसरी बॉल यहाँ पे और बहुत अच्छी वापसी, बहुत बढ़िया बॉल यहाँ पे देखने को मिल रही है रमेश भाई की। अगली बॉल कराएंगे और LPW नहीं होंगे, बाहर है। काफी काफी अच्छा ओवर रहा यहाँ पे बनाला टीम के लिए। और विकेट ले ली यहाँ पे रमेश भाई ने, 2 विकेट ले ली है।
बहुत बढ़िया। और मैच आ गया, 12 बॉलों में चाहिए 35 रन। मुझे क्या कहना चाहते हैं, कौन जीत गई? बनाला जीत गए। थोड़ा जोर से बोलो। ओह माय गॉड। हाँ जी दीपू जी, क्या लगता है आपको कौन जीत गए? जीत गए। हाँ नेत्री दल तो जीत गया बेटा। साले बोल कौन जीत गया? तू एक हट तो तू लगे गलत फोटो से लगा तू लेना। हाँ नेत्री बोल कौन जीता? बोल कौन जीता? हाँ जी गैंजी आप क्या कहना चाहेंगे? बनाला जीत गई। बनाला जीत गई 10 बॉलों में 34 रन। यहाँ पे इस दुकान में पहुंच गया, लेकिन आपको मिलाना चाहता हूं मैं एक शख्सियत से जो कि बहुत ही सच्चे दिल के और टू बी हॉनेस्ट काफी अच्छे इंसान है, तो उनसे मिलाने जा रहा हूं। और वीडियो में थे ये पहले हमारे साथ, तो पहले तो मिलाता हूं मैं आपको मामू से, खीम बहादुर मामू कैसे हैं? ये नशा सेहत के लिए हानिकारक है, ये ना करें। और मामू ठीक है? ठीक है जी। मामू कितने साल हुआ आपको यहाँ पे? हो गया बड़ा भारी। कितना? 35 साल। 30-35 साल। अच्छा तो मामू 30-35 साल से यहीं पे रह रहे हैं, तो इनका नाम मामू रख दिया। ये सबके मामू है, जो बुजुर्ग है, जवान है, बच्चे हैं, सब इनको मामू बोलते हैं। और अब मिलाने जा रहा हूँ मैं आपको इनसे, ये शख्सियत। पहले आप अपना नाम बताइए। माय नेम SRDRM LAM। क्या हुआ ये? सीताराम। तो इनका नाम है सीताराम, SATA क्या क्या बोलते हैं? SATARAM LAM। वाओ। तो गाइस इनका नाम है SATARAM RAM। तो इनका नाम है SATARAM सीताराम लांबा। तो इनका नाम है सीताराम लांबा। और सीताराम लांबा जी आप कहाँ से हैं पहले तो आप ये बताइए। मैं नेपाल से। नेपाल से। तो सीताराम जी नेपाल से हैं और घर से बेघर हो गए हैं, और बेघर होने के बाद बेघर नहीं हुए? नो नो नो। तब बेकार नहीं है, घर परिवार ठीक है, सब ठीक है। तो आप, मैंने सुना था कि आप वनवास पे आए हैं कुछ ऐसा ऐसा। हाँ, कितने साल हुआ आपको? 14 साल का वनवास है। 14 साल का वनवास है, आज हो गए 13 साल है ना। 13 साल हो गया। तो अभी कितने साल बचे? 1 साल। तो 1 साल बाद फिर क्या करेंगे आप? I'm going to Nepal। तो उसके बाद ये 1 साल बाद इनको 14 साल कंप्लीट हो जाएंगे, और उसके बाद ये नेपाल जाएंगे। नेपाल कौन सी जगह आपके घर है? मेरा घर? हाँ डिस्ट्रिक्ट नुआकोट ब्रिटिश समुद्रोटार बॉर्डर नंबर चार नंबर जमा बैगर घर। गांव का नाम? बोगेडुंगा। बोगेडुंगा से है हमारे सीताराम जी, SATARAM। तो ये सीताराम है, और बहुत ही अच्छे इंसान है, सच्चे दिल के और नेक दिल के इंसान है, जो कि यहाँ पे कितने साल से आप यहाँ पे हिमाचल में? कितने साल से आप? मैंने बोला है ना 13 साल हो गए। 13 साल मतलब कि हिमाचल में ही हुआ आपको? अच्छा आप सीधे वनवास से आए तो आप हिमाचल में ही आए, तो ऐसा है। तो सीताराम जी भी 13 साल से हिमाचल में है, और अभी 14 साल होने वाला इनको, फिर ये चले जाएंगे नेपाल अपने गाँव में, है ना? तो ठीक है सीताराम जी, मिलते हैं फिर बहुत जल्दी आपके साथ, और फिल्म भी बनाएंगे हम। क्या बोलते हैं, फिल्म बनाएंगे? चल यार मन दे भी। सीताराम जी बोलते हैं फिल्म बनाएंगे। और अभी मेरे पास ड्रेस नहीं है। ड्रेस नहीं है इनके पास अभी। अच्छा ड्रेस। तो एक बार ये मतलब कि जब हमारा वीडियो वगैरह आ रहे थे ना, तब सीताराम जी मतलब कि हमारी वीडियो में काम करना चाहते थे, तो किया था इन्होंने, छोटा सा रोल था इनका एक, लेकिन इन्होंने बोला था कि अब हम फिल्म बनाएंगे, और बहुत बड़ी फिल्म बनाएंगे, और उसके बाद ये बढ़िया ड्रेसिंग सेंस अपने मतलब कि पैंट कोट डाल के बढ़िया से मुझे ढूंढने के लिए आया, लेकिन मैं घर में नहीं था,
है ना सीताराम जी, आपने बहुत ढूंढा मुझे लेकिन मैं मिला नहीं इनको, तो आप फिल्म बनाएंगे बहुत जल्दी, हम मैं आपको कॉन्टेक्ट करूँगा और डील फाइनल करूँगा और जितना आपका एडवांस होगा वो आपको दे दूंगा, ठीक है? ओके तो ठीक है सीताराम जी, मिलते हैं, ओके टेक केयर, ओके गाइस चलते हैं अब दुकान में क्योंकि बहुत लेट हो गया हूँ मैं, और दुकान में चलते हैं सामान लेते हैं। A few minutes later. सीताराम जी आपको कुत्तों से बहुत प्यार है, जानवरों से बहुत प्यार है आपको? हाँ जी बहुत प्यार करते हैं। हाँ मेरा डॉग कमांडो है। एक कमांडो है तो ये इनका डॉग है, क्या नाम क्या इसका? डॉग कमांडो। डॉग कमांडो, डॉग का नाम कमांडो है, कमांडो डॉग है, बहुत ही जबरदस्त ब्रीड है। गद्दी कुत्ता है ये, पहाड़ों से लाया आपने? हाँ जी। अच्छा कंधे पे रखो इसको, यहाँ कंधे। हाँ सीताराम जी बहुत ही प्यार करते हैं जानवरों से जितना इंसानों से नहीं करते। ये देखो वाह, सीताराम जी बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं यहाँ पे, और कुत्तों से बहुत अच्छा प्यार करते हैं सीताराम भाई। सीताराम तो सीताराम जी क्या नाम क्या बताया इसका? डॉग कमांडो। डॉग कमांडो, इसका नाम है डॉग कमांडो, बहुत ही प्यारा कुत्ता है ये, और बाल भी इसके काफी जबरदस्त है आप देख सकते हैं। और सीताराम तो सीताराम पप्पी देश को, किस देश को? चुम्मा दे, अरे पप्पी दे दे साथ में दे, तू दे ऐसी कर, चल मंदिर है चल नीचे रख इसको ठीक है। आज अभी जाके मैं घर में पहुंचा हूँ, और बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच था, काफी इंजॉय किया, और उसके बाद सीताराम से मिले, सीताराम से मिल के भी काफ़ी अच्छा लगा, तो काफ़ी एंटरटेनिंग है। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी, लव यू, टेक केयर।